दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल का एक नई प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है SlashPixels.com। जी हां दोस्तों, गूगल ने एक बहुत अच्छा वेबसाइट क्रिएट करने जा रहा है, पब्लिश करने जा रहा है, जिसका नाम है गूगल फॉर डिजाइनर्स। ये साइट स्पेशली केवल डिजाइनर्स के लिए क्रिएट किया जा रहा है, जहां पे आप स्मार्टली कोई भी इमेज को सर्च कर सकते हैं, जिस तरह का आप इमेज सर्च करना चाहते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा, इसके लिए आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये वर्क कैसे करेगा और कैसे ये UI UX डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे यदि आप इस साइट पे कोई भी स्मार्टली सर्च करना चाहते हैं इमेजेस, जैसे कि आप ड्रिबल का, विहेंस का, पिंटरेस्ट का, कार्गो का, अवार्ड्स का, पैटर्न्स और इस तरह के टॉप जो UX UI डिजाइनर साइट है, ग्राफिक डिजाइनर साइट है, वहां से आप स्मार्टली कोई भी इमेजेज को इस साइट के जरिए आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में ये साइट लॉन्च होने वाला है, अभी बीटा वर्जन है। यदि आपको यूज करना है तो आप प्री साइन अप करके इसको यूज कर सकते हैं। अगर लुक एंड इंटरफेस की बात मैं करूं तो ये जो साइट है इसका जो लुक एंड फील है ये है जस्ट लाइक ड्रिबल। ड्रिबल का जो आप देखते होंगे यूजर इंटरफेस सेम लाइक का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस है, और यहाँ पे स्मार्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप बिहेंस के प्रोडक्ट, ड्रिबल के प्रोडक्ट, या आप पैटर्न्स पे जो प्रोडक्ट है या पिंटरेस्ट पे है, उसके इमेजेज को, उसके स्क्रीनशॉट्स को आप SlashPixels.com के जरिए सर्च कर सकते हैं, और बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपको सेम टाइप का जो चीज़ आप चाहते हैं उस तरह का इमेजेज यहां पे आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। तो इस वीडियो में आप दोस्तों कंटिन्यू बने रहेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये स्मार्ट AI इमेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज सर्च कैसे करता है उसके बारे में बताता हूं। सपोज दैट आपको कोई भी एग्जैक्ट नाम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्च करना है, जैसे मान लिया कि राउंडेड इलस्ट्रेशन विथ माउंट अगर आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप PhD, एलस्ट्रेटर फाइल, टीफ फाइल, OTF फॉन्ट टाइप, कोई भी फॉन्ट या किसी भी तरह के फॉर्मेट को आप डायरेक्टली यहाँ सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कोई भी स्क्रीनशॉट को अगर चाहते हैं कि चेक करना है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि वो सब साइट पे है या नहीं, तो आप अटैच कर सकते हैं कैमरा वाला आइकन पे क्लिक करके, और सेम टाइप का आपको जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात है सर्च शॉर्ट्स बाय स्पेसिफिक इमेजेज। अगर कोई भी आप चाहते हैं कि हमें सेम टाइप का कोई डिजाइन या उसी के सिमिलर कोई डिजाइन स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, तो आप कोई भी स्क्रीनशॉट को अटैच कीजिए, पास्ट लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आप लिंक को कॉपी कीजिए और सीधा यहाँ पेस्ट कीजिए, और उसके बाद सर्च करेंगे तो सेम टाइप का, सेम लेआउट में आपको बॉटम में रिजल्ट शो कर जाएंगे। उसके बाद राइट साइड में अपलोड इमेज भी कर सकते हैं, चाहे लिंक शेयर कीजिए या अपलोड इमेजेस कीजिए, किसी से भी अगर आप इस पे टास्क करते हैं तो आपका सिमिलर रिजल्ट वहां पे मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसा साइट अभी गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल जैसा ही वर्क करता है, लेकिन बहुत ही स्मार्टली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहां पे ये वर्क करेगा। उसके बाद है सर्च एनी फ्री वाइज। अगर आपको कोई भी चीज़ें सर्च करना है, जैसे कि आप OTF फाइल है, PhD फाइल है, एलस्ट्रेटर की फाइल है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, शॉर्ट्स, पॉपुलर, लेटेस्ट, टुडे, कलर्स, फाइल का जो फॉर्मेट है और किस साइट से आपको सर्च करना है, जैसे ड्रिबल, विहेंस, पैटर्न,
कारवा या और भी जो भी साइट है, पिंटरेस्ट है, तो वहाँ से आप फिल्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें वर्क करेगा, जिससे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद एक और भी ऑप्शन है, कोई भी इमेजेज को आप जो भी आप सर्च कर रहे हैं उस इमेजेज को आप सीधा ड्रॉप बॉक्स में सेव भी कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स में सेव करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, अपने स्क्रीनशॉट को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो ये बकेट्स का भी काम करेगा, जैसे कि आप ड्रिबल में देखते होंगे, आप पूरे यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट बकेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट वन प्लेस। आप प्रिंटरेस्ट का भी जो बकेट्स हैं ना, जितने बकेट्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कल स्क्रीनशॉट्स, उसको बकेट्स बोला जाता है, और उस बकेट्स को पूरे कलेक्शन को आप डायरेक्ट जो है से ऐड टू बकेट में कर सकते हैं, या आप सीधा ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव बॉक्स, वन ड्राइव पे भी आप डेटा को सिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो डिजाइनर्स के लिए, आर्ट डायरेक्टर के लिए, क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर के लिए, यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए, ब्रेन स्ट्रोमिंग, मूड बोर्डिंग और जितने भी आइडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है यूएक्स डिजाइनर और यूआई डिजाइनर के लिए, काफ़ी ही बेहद मतलब कि आसान होगा इस वेबसाइट के जरिए किसी भी चीज़ों को सर्च करने के लिए। जैसे कि आप अपलैब से सर्च कर रहे हैं, या ड्रिबल के इमेजेस सर्च कर रहे हैं, बिहेंस के सर्च कर रहे हैं, या पिंटरेस्ट, कारवा, अवार्ड्स, पैटर्न, ये सारे के सारे जो भी टॉप मोस्ट साइट हैं उसको इम्प्लीमेंटेड इन बिल्ड किया गया है इस साइट में, और उसके माध्यम से आप आसानी से कोई भी स्क्रीनशॉट, अपने मूड बोर्डिंग की थॉट आइडिया को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जितना पॉसिबल हो, जितना आपको लगे कि बेटर है, उतना ही अपने सोशल मीडिया पे प्लीज़ शेयर करें और वोट करें, ताकि और भी इस तरह के फ्यूचर में आपको वीडियोज का अपडेट देता रहूँगा, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि ये साइट बहुत ही अमेजिंग है और ये काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप कुछ ही दिनों में ये साइट को ब्राउज करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों बस वीडियो का टाइमलाइन काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूं, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।